नेहा पापा जी और मम्मी जी के लिए प्लेटें सजाने लगी और उनके आने का इंतजार करने लगी। जब पापा जी आ गए तो खाने का दौर शुरू हुआ, लेकिन नेहा का ध्यान उनकी बातों में नहीं था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पापा जी और मम्मी जी की बातों का वह केवल हाँ या हूँ में जवाब देती जा रही थी और खाना खत्म होने का इंतजार कर रही थी। आज उसे लग रहा था कि समय बहुत धीमी गति से बीत रहा है। किचन से मोहन चाचा के काम करने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वे नजर नहीं आ रहे थे। नेहा का ध्यान उस ओर ही था कि क्या मोहन चाचा उसे देख रहे हैं या अपने काम में लगे हुए हैं। आज उसने रोज की तरह ही सूट पहना था, लेकिन वह थोड़ा टाइट था, जिससे वह खुद को सहज महसूस कर रही थी। नेहा को यह एहसास था कि वह सूट उस पर अच्छा लग रहा है। वह सोच रही थी कि क्या मोहन चाचा ने उसे देखा होगा या देख रहे होंगे। पापा जी और मम्मी जी को खाना परोसते समय उसके दिमाग में कई बातें आ रही थी, जो हाँ और ना के बीच उलझी हुई थी। कभी कभी वह हल्की सी मुड़कर या फिर तिरछी नजर से पीछे की ओर देख भी लेती थी, लेकिन अब तक उसने मोहन चाचा को नहीं देखा था। इसी तरह पापा जी और मम्मी जी का खाना भी समाप्त हो गया। मम्मी जी ने कहा, अरे बहू, अब तुम भी खाना खा लो। नेहा ने जवाब दिया, जी मम्मी जी, खा लूंगी। पापा जी ने कहा, ज्यादा देर मत करना, नहीं तो गैस हो जाएगा। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। पापा जी और मम्मी जी उठकर हाथ मुंह धोने चले गए और पापा जी जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर चले गए, क्योंकि उन्हें निकलने का समय हो गया था। मम्मी जी ने मोहन को प्लेट उठाने को कहा और फिर नेहा के साथ ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंच गई। पीछे मोहन डाइनिंग टेबल से प्लेट उठा रहा था और नेहा के सामने पीठ करके खड़ा था। मम्मी जी कुछ कह रही थी, तभी अचानक नेहा पलटी और उनकी नजरें मोहन से मिल गईं। मोहन अचानक सकपका गया और झट से नजरें नीचे करके जल्दी से प्लेट उठाकर किचन में चला गया। नेहा ने जैसे ही देखा कि मोहन उसकी ओर देख रहा है, वह तुरंत मम्मी जी की बातों पर ध्यान देने लगी। तभी पापा जी बाहर चले गए तो मम्मी जी और नेहा भी उनके पीछे पीछे दरवाजे तक आई। बाहर गाड़ी के पास सहदेव काका हमेशा की तरह अपनी पूरी पोशाक में हाजिर थे। नीचे गर्दन किए हुए धोती और शर्ट पहने वह पीछे का गेट खोलकर खड़े थे। पापा जी उसके पास पहुंचकर बोले, आज से तुम्हारे लिए नई ड्यूटी है, पता है? सहदेव ने विनम्रता से जवाब दिया, जी साहब। पापा जी ने समझाया, आज से बहू को ड्राइविंग सिखानी है तुम्हें। सहदेव ने फिर से सिर झुकाते हुए कहा, जी साहब। पापा जी ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है? सहदेव ने फिर से कहा, जी नहीं साहब। पापा जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? सहदेव ने सहमति में सिर हिलाया, जी साहब। सहदेव का सिर अब भी नहीं उठा था और उसने नेहा की ओर नजर भी नहीं डाली थी। मम्मी जी ने कहा, शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है? सहदेव ने फिर से सिर झुकाकर जवाब दिया, जी माँ जी। मम्मी जी ने पूछा, कितने बजे भेजोगे? पापा जी ने कहा, हाँ, करीब 5:30 बजे। मम्मी जी ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है। पापा जी गाड़ी में बैठ गए और सहदेव जल्दी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। गाड़ी गेट के बाहर निकल गई और मम्मी जी और नेहा भी अंदर की ओर पलट गई। डाइनिंग टेबल पर कुछ ढका हुआ रखा था, शायद नेहा का खाना था। मम्मी जी ने कहा, अब तू खाना खा ले, मैं तो जाऊंगी आराम करने। नेहा ने जवाब दिया, जी। नेहा डाइनिंग रूम में रुक गई और मम्मी जी अपने कमरे की ओर चली गई। नेहा किचन की ओर बढ़ी और दरवाजे पर रुक गई। नेहा ने कहा, चाचा, एक मदद चाहिए। मोहन ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जी छोटी बहू, कहिए। वह अपनी नजरें झुकाकर हाथ बांधकर सामने खड़ा हो गया। नेहा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वह उसकी ओर नजर उठाकर नहीं देख पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह कोशिश कर रहा था कि अपने आप को शांत रखे। नेहा ने झिझकते हुए कहा, असल में क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मोहन की तरफ से कोई उत्तर न मिलने पर नेहा ने फिर से कहा, असल में कल सोते समय गर्दन में हल्की मोच आ गई थी। मैं चाहती थी कि अगर आप थोड़ा सा मालिश कर दे तो अच्छा होगा। मोहन ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी। नेहा को उसकी हिचकिचाहट पर थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने अपने शब्दों को आगे बढ़ाया
नहीं नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं। असल में उस दिन जब आपने मेरे पैर की मोच ठीक की थी, इसलिए मैंने सोचा आपसे कहूं। और आज से तो मुझे गाड़ी भी चलाने जाना है, इसलिए सोचा आपको बोलूं। मोहन की हालत कुछ खराब हो गई थी, उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। नेहा ने कहा, आप पहले अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर कर देना, मैं उसके बाद खाना खा लूंगी। मोहन ने कुछ अस्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, जी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको बुला लूंगी। कितना समय लगेगा? मोहन ने कहा, जी थोड़ा समय लगेगा। नेहा ने कहा, जब फ्री हो जाओ तो बता देना, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। यह कहकर नेहा अपने कमरे की ओर चली गई। मोहन किचन में खड़ा था, जैसे कुछ सोच में डूबा हो। उसके मन में कई विचार उठ रहे थे, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने नेहा को सीढ़ियों की ओर जाते देखा और सोचता रहा कि आगे क्या करना चाहिए। आज तक उसने कभी यह नहीं सोचा था कि बहू उससे मालिश भी करवाएगी। उस दिन तो उसके पैरों में मोच थी, तो उसने मालिश कर दिया था ताकि बहू को आराम मिल जाए। पर आज तो बहू नेहा कंधे की मालिश करने की बात कर रही है। वो सोचने लगा, कितनी सुंदर है नेहा, मालिश करते वक्त कहीं कोई गलती हो गई तो। पूरे जीवन काल की बनी बनाई निष्ठा और नमक हलाली धरी की धरी रह जाएगी। पर वो कर भी क्या सकता था, बहुरानी का आदेश जो था। फिर मोहन ने सोचा, भाड़ में जाए सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपना पूरा मन बना लिया था। वो जल्दी से किचन में खड़ा चारों ओर देखने लगा। सिंक पर जूठे बर्तन पड़े थे और किचन भी अस्त व्यस्त था, पर उसकी नजर बार बार बाहर सीढ़ियों पर चली जाती थी। मोहन का मन असमंजस में फंसा हुआ था, वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके विचारों में एक गहरी खाई थी जो उसे सही और गलत के बीच उलझाए हुए थी। उसकी सांसें अनियमित हो रही थी और वह खड़ा खड़ा सोच रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। उसका अंतर्मन उसे सही रास्ते पर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन नेहा के प्रति आकर्षण उसे बेचैन कर रहा था। दूसरी ओर नेहा अपने कमरे में पहुंची और तेजी से बाथरूम में चली गई। वह अपने आप को तैयार करने में लग गई थी, जैसे किसी खास मौके के लिए तैयार हो रही हो। जल्दी जल्दी उसने वार्डरोब से एक साड़ी निकाला और वापस बाथरूम में चली गई। नेहा का चेहरा खिला हुआ था और उसमें एक अलग ही चमक थी। उसने साड़ी को खास अंदाज में पहना और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। होंठों पर हल्की लिपस्टिक लगाई। अब वो खुद को आईने में देखकर वह संतुष्ट महसूस कर रही थी। साड़ी में नेहा बेहद सुंदर और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। उसने खुद को एक अंतिम नजर मारी और एक चुन्नी को अपने ऊपर डाल लिया ताकि सब कुछ मर्यादित रहे। अब वह शांत मन से मोहन चाचा का इंतजार करने लगी। फोन की घंटी बजने का इंतजार करते हुए नेहा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उधर मोहन किचन में खड़ा सोच रहा था कि क्या उसे फोन करना चाहिए या नहीं। उसके मन में डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए। वह किचन के अंदर और बाहर कई बार चक्कर काट रहा था, मानो किसी अनिर्णय में फंसा हो। उसने सोचा कि अब फोन कर ही देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने फोन की ओर कदम बढ़ाया, फोन खुद ही बज उठा। मोहन ने झट से फोन उठा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन नेहा की शांत और धीर आवाज ने उसे कुछ राहत दी। नेहा ने पूछा, चाचा काम हो गया आपका? मोहन ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी बहू बस। नेहा बोली, क्या जी जी लगा रखा है, मुझे खाना भी तो खाना है, आओगे कि नहीं? नेहा ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मोहन ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं बहू, मैं बस आ ही रहा हूँ। मोहन लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ गया और नेहा के कमरे के सामने खड़ा हो गया। वह कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहा था कि दरवाजा खटखटाए या नहीं। इतने में नेहा ने दरवाजा खोल दिया। नेहा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी उपस्थिति बहुत ही आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, मानो कोई अप्सरा हो। उसकी चुन्नी उसके कंधों पर ढलकी हुई थी। उसने मोहन को अंदर बुलाया और एक सहज मुस्कान के साथ पूछा, चाचा अंदर आओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मोहन दरवाजे पर खड़ा हुआ नेहा के इस रूप को चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें
कुछ देर के लिए स्थिर हो गई थी। नेहा की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी आत्मविश्वास से भरी थी। उसने बिना किसी झिझक के मोहन को अंदर बुलाया और उसके हाथ को हल्के से पकड़कर उसे कमरे में ले आई। नेहा बोलने लगी, क्या चाचा ऐसे ही खड़े रहोगे? जल्दी से आओ और काम पूरा करो, मुझे खाना भी खाना है। मोहन ने नेहा का हाथ थामा और धीरे धीरे कमरे के अंदर चला आया। वह नेहा की ओर आकर्षित हो गया था, उसकी गरिमा और सुंदरता से प्रभावित था। मोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मोहन अंदर आया, नेहा ने अपने पैरों से ही दरवाजा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गई। यह कुर्सी बेड से थोड़ी दूर थी। मोहन आज पहली बार अजय भैया के कमरे में आया था। उसे देखकर महसूस हुआ कि नेहा ने इस कमरे को कितनी सुंदरता से सजाया था, जितनी सुंदर वह खुद थी। इतने में नेहा ने फिर से पूछा, क्या हुआ चाचा, क्या सोच रहे हो? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसे देखता रहा। नेहा ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उसे काम करने के लिए कहा। वह सहज और आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। नेहा बोली, बताइए चाचा कहाँ बैठूं? यही ठीक रहेगा। मोहन ने हकलाते हुए कहा, जी जी बहू, और वह खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगा। मोहन ने नेहा की ओर देखते हुए थोड़ा सा कदम बढ़ाया, लेकिन फिर ठिठक गया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या वह सही कर रहा है। वह खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे आगे बढ़ा रही थी। अंततः उसने अपने विचारों को पीछे छोड़ते हुए कदम आगे बढ़ाया और नेहा के सामने खड़ा हो गया। नेहा बोली, मैं पलट जाऊं या आप पीछे से आओगे? नेहा ने मोहन चाचा को अपनी ओर आते देखकर पूछा। उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। मोहन की नजरें नेहा पर अटक गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए नेहा के पीछे की ओर जाने का निर्णय लिया। उसकी नजदीकी से एक मादक सी खुशबू उसे महसूस हो रही थी, जो कि नेहा के शरीर से आ रही थी। मोहन अब उसके पीछे खड़ा था और उसकी नजरें नेहा के संजीदा रूप पर थी। नेहा अब भी चुपचाप बैठी हुई थी और थोड़ा सा पीछे की ओर झुक गई थी। मोहन खड़ा हुआ अब भी नेहा को ही देख रहा था। वह नेहा के आकर्षण में इतना डूब गया था कि उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि कब नेहा ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। नेहा ने कहा, चाचा शुरू कीजिए ना प्लीज। मोहन के हाथ नेहा की इस विनती पर कांप उठे। नेहा अब भी उसकी ओर देख रही थी और उसकी नजरें मोहन को असमंजस में डाल रही थी। मोहन ने जब अपने हाथों से नेहा के कंधे को हल्के से छुआ तो उसके अंदर एक अनोखा एहसास जाग उठा। आज तक उसने इतना कोमल और नरम स्पर्श महसूस नहीं किया था। मोहन का ध्यान मालिश करने से ज्यादा उस एहसास पर केंद्रित हो गया जो उसे नेहा के कंधे को छूने से हो रहा था। उसकी उंगलियां नेहा के कंधे पर हल्के हल्के घूम रही थी और वह उस नाजुकता को अपने अंदर महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने दूसरे हाथ को भी नेहा के कंधे पर रखा और दोनों हाथों से वह बस उस नरम स्पर्श का आनंद लेने लगा। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोनों ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। मोहन की सारी निष्ठा और नमक हलाली धरी की धरी रह गई और वहीं दूसरी तरफ नेहा का अपने पति अजय के प्रति प्रेम और विश्वास की डोर टूट गई। मोहन धीरे धीरे नेहा से अलग होते हुए बगल में जाकर लेट गया। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। कमरे में जो तूफान का माहौल था वह अब शांत हो चुका था। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, लेकिन एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मोहन नेहा की ओर देखे बिना दूसरी ओर मुड़ गया और अपनी धोती को ठीक करते हुए धीरे से उठा और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। नेहा जो दूसरी ओर चेहरा किए हुए थी ने मोहन की हरकतों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने भी ना तो मोहन की ओर देखा और ना ही उठने की कोशिश की। वह चुपचाप पड़ी रही और जब उसे एहसास हुआ कि मोहन कमरे से जा चुका है तो उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान उभर आई। कुछ देर बाद वह उठी और अपने आप को देखा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो वह किसी बड़ी जीत का जश्न मना रही हो। नेहा ने अपने आप को ठीक किया, अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो उसे भूख का एहसास हुआ।
उसे याद आया कि उसने अब तक खाना नहीं खाया था। अब नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मोहन चाचा से सामना करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन भूख भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा कि 2:30 बज चुके थे। उसने सोचा, क्या सच में 2 घंटे बीत गए। उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था और भूख भी बढ़ती जा रही थी। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने फोन उठाया और किचन का नंबर डायल किया। 1 घंटी बजते ही उधर से आवाज आई, मोहन, हेलो जी, खाना खा लीजिए। मोहन की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। नीचे आते ही उसे डर सताने लगा था कि अब वह बहू का सामना कैसे करेगा। वह इस चिंता में डूबा था कि कहीं नेहा ने अभी तक खाना नहीं खाया तो क्या होगा। मन में कई तरह के विचार आते जाते रहे। वह सोच रहा था, अगर नेहा ने इस बारे में किसी को बता दिया तो क्या होगा, साहब और माँ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अचानक फोन की घंटी फिर से बज उठी। घबराहट के साथ उसने फोन उठाया और हकलाते हुए बोला, हेलो। नेहा बोली, खाना लगा दो, और नेहा ने फोन काट दिया। नेहा के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा था। अगर उसे भूख न लगी होती तो शायद वह नीचे भी न जाती। उसने वही सुबह वाला सूट पहना और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों के ऊपर से उसने देखा कि मोहन चाचा जल्दी जल्दी खाने की टेबल पर खाना सजा रहे थे। बिना कोई आवाज किए नेहा चुपचाप डाइनिंग टेबल तक पहुंची। नेहा के आने की आहट सुनकर मोहन चुपचाप किचन में वापस चला गया। नेहा भी सिर झुकाए हुए खाना खाने लगी। वह इतनी जल्दी में थी कि उसे पता भी नहीं चला कि क्या खा रही है। बस वह वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहती थी। जल्दी जल्दी उसने खाना खत्म किया और फिर बिना बेसिन पर हाथ मुंह धोए सीधे अपने कमरे की ओर भागी। कमरे में आकर उसने आराम से कुछ निवाले खाए और फिर बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। इसके बाद वह बिस्तर पर लेट गई। अब वह अपने कमरे में सुरक्षित महसूस कर रही थी। अचानक उसे याद आया कि उसे शाम को ड्राइविंग क्लास पर जाना था, लेकिन अब उसका मन बिल्कुल नहीं था। उसने फोन उठाया और अजय को कॉल किया, सुनिए प्लीज, आज मैं ड्राइविंग क्लास पर नहीं जाऊंगी, कल से चली जाऊंगी, ठीक है। अजय बोला, हाँ ठीक है, पर क्यों, क्या हुआ। नेहा ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, बस मन नहीं कर रहा, कल से ठीक है। अजय बोला, ठीक है कल से चलो, अब मैं फोन रखता हूँ। अजय ने फोन रख दिया और नेहा ने भी फोन रखते हुए बिस्तर पर लेटे लेटे छत की ओर देखा। वह पता नहीं क्या सोच रही थी और कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।